सूर्पनखा की नाक कटने पर लंकेश रावण गुस्से में आ गया। लंकेश रावण सीता हरण कर ले गया। कई लीलाओं का शानदार मंचन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का पाठ भी पढ़ाया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे श्री राम लीला महोत्सव में छठवें दिन केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मां शारदा की आरती उतारी। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सभी को श्री राम के आदर्शों के बारे में जानकारी दी। भगवान राम की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम, जात पर क्षेत्र धर्म अपने पुरुखों का सम्मान नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हैं जो विष्णु का अवतार हो, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे बहुत सारे चुनाव मिलने का अनुभव है। सबसे पहले सूर्पनखा की नाक काटने की लीला का शानदार मंचन किया गया। सूर्पनखा की नाक काटने का बदला लंकेश रावण लेता है। साधु के भेष में लंकेश रावण सीता जी के पास पहुंचता है। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, लंकेश रावण हरण कर लेता है। जटायु और रावण के बीच युद्ध होता है। रावण जटायु को मौत के घाट उतार देता है। इस दौरान पवनसुत हनुमान अपना रूप दिखाने के लिए मंच पर पहुंच जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को रामलीला में याद किया गया। नन्ही सी बच्ची नैन्सी ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। श्री रामलीला महोत्सव में दर्शकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। कलाकार बेहद उत्साहित हैं। रेलवे अधिकारी योगेश मित्तल और पीपी शर्मा ने कलाकारों की जमकर तारीफ की। सी न्यूज के लिए राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट।